खम्मा करनी सा जमा करनी जमा करनी री सा। तो मैं तो इसलिए लाइव आई थी क्योंकि कल शीतला माता, कल शीतला माता है ना, मतलब कल बासेड़ा है, तो पापड़िया और सुवालियां और गुंजिया जिसके भी घर पे बनी हो थोड़ी थोड़ी बेली करके भेज देना। जय माँ गणी जी साहब, आप बुलाओ और नहीं आवा, ओ हुआ है कहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जय माँ गणी जी साहब, कैसे हैं आप सभी? शॉप एड्रेस मिलेगा जी? बिल्कुल मिलेगा, गूगल गूगल मैप पे है, करनी फैशन रतन जॉन के नाम से। जय माँ कंडीरी सा, कैसे हैं आप सभी? आई नो आज जितने भी मतलब बहुत सारे, जैसे मम्मी आज सुबह से है ना, सुबह से किचन में है क्योंकि बस वो सुवालियाँ और पापड़ियाँ और गुंजियार और क्या बनाते हैं वो राबड़ी और दही बड़े और खींचे और बहुत सारी चीजें बनी है भाई, आज बहुत सारी चीजें बनी है। मैम एड्रेस दे दीजिए, घर लेके आएंगे जी। बिल्कुल मतलब लाओ मत, आ जाओ आराम से, यहाँ मम्मी बनाई है, अपन सब आराम से बैठ के खाएंगे। जय माँ करनी री साहब, जयपुर में प्रॉपर शॉप कहाँ है? आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे ना सर, करनी फैशन रतन चौहान के नाम से, तो आपको दो लोकेशन मिलेगी, मॉल ऑफ जयपुर की मिलेगी और कालवा रोड प्रताप सर्किल की मिलेगी, तो आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं, वो दोनों शॉप अपनी है। अड़ी का मासा, जयमा करनी री सा, जयमा करनी, जयमा करनी। मैं तो था सा जना ने बासेड़ा की बताई, देवा नहीं काल बासेड़ो है, काल घर को मैंने रोटी राटी नहीं बनानी है, कल आपने राबड़ी रे मतलब दही बड़े खाने हैं ना, ध्यान रख जो। खाल को वाशेड़ो है, तो काल का दिन रोटी राटी नहीं बनानी है, अपनी मामा ने परेशान नहीं करना है कि मना एक ही सब्जी बना कर दे, मना एक ही सब्जी बना कर दे, काल जको बनेड़ो है ना आज वो ही खानो है, और गरम नहीं खानो है ना, ठंडो ही खानो है, पुआर काई ठा काई काई। जय श्री शीतला माता की। हाँ सा बिल्कुल, लाइफ में एक बार आपसे मिलना है, बिल्कुल। मैं बहुत ना मजाक किया हूँ ना, ऐसे लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मजाक किया हूँ। आप जब मिलेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब यार ये क्या बंदी है, सारे दिन हंसती रहती है, हंसते रहना चाहिए, जिंदगी का कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए ना, तो मतलब यार बढ़िया रहो और है ना बस आप मस्ती मजाक करते रहो, कोई बुरो माने तो ठीक है, नहीं माने तो बिना बुरो बनवा दे। वहां जोधपुर में भी शॉप खोलियो, अब हर अत्ती सोधी को नहीं हटाई। टॉमबॉय की तरह रहना आइडिया, ओ कटो आइडिया आसी बाहर दो बाग मैं जोर आ तो मम्मी चोटी बनाती को नहीं, जो कटाया जट्टा आइडिया वाली बात को नहीं यार, एक मायने यानी अब आरी मम्मी बहुत लड़े टींगरी आने बढ़ाले आने बढ़ाले आने बढ़ाले, मतलब बाड़ों को बढ़ाले, बट मैं बोले मम्मी यार प्लीज यार प्लीज यार मम्मी थोड़े दिन और थोड़े दिन और, मेरी बेटी आपको बहुत पसंद करती है जी। अरे मैं हुई यार, मतलब पसंद करना तो बनता है ना यार, आपकी बेटी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, जिंदगी खुलकर जियो बिल्कुल भाई साहब, मतलब आपकी मैंने आपकी आपकी लाइफ की स्ट्रगल की स्टोरी जो उस पर देखी, यू आर ग्रेट स्ट्रगल, नहीं वो जिंदगी का एक पार्ट था, वो स्ट्रगल ठीक है कह सकते हैं अपन एक लैंग्वेज में, बट है ना वो जिंदगी का एक पार्ट था और वो फेस करना था और मैंने कर लिया, और आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो फेस करनी होगी, सो उनसे लड़कर आगे निकलना ही, दैट्स इट। नकली बाल गणाई है वही सा टेंशन लो, अरे बात तो मेरे का नबार मैं थाने बताऊं, अब टांग रखी मेरे कन्ने नकली बाल, बिल्कुल टेंशन डाल लो थे और आवड़ाना है। मैम आपको बहुत ज्यादा लाइक, बहुत ज्यादा, इतना कि मैं मेरे हस्बैंड को आपकी बात आपकी बताती रहती हूँ, बेसोच सी भाई, तू एक काम कर, भी रतन करनी चल जा, मन छोड़ दे तो यार इनको काम मत कर जो आप अपने, देखो बहुत बढ़िया बात है, बीका सागा सागा अपनी
अपना आदमी को ध्यान, अपनी सासू को ध्यान, घराला को ध्यान, वो भी रखना है। और हाँ, टॉम बॉय इज नॉट बेस्ट बैड चॉइस, आई लव यू दी। अच्छा, मतलब किसी ने पूछा ऐसा? मेरे से वीडियो कॉल पे बात करो आप, क्या कर रहे हो? मैं लाइव हूं। ओम बनाओ जत पाली आजो, बिल्कुल ओम बना को हुकमो से जत जरूर आशा सा। आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय माँ करणी रीसा। जय माँ करणी रीसा। आपकी भाषा बहुत अच्छी है। हाँ, मारवाड़ी है और अच्छी तो होगी ही। कभी गंगानगर भी आओ दी। जय माँ करणी रीसा, जय माँ करणी। सुख देणो दुख मेटनो मारी माँ करणी, रो नाम चरण शरण ते चारणी, धन पुनः पुनः करू प्रणाम, अगर काई केणो सा। जय माँ करणी, जय माँ करणी सा, जय माँ करणी। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो दी। वीडियो सभी बहुत अच्छी बनाते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है कि अपन को कौन सी पसंद आ रही है। जय माँ करणी रीसा, करनी माता, करनी माता। हाँ, मेरी जुबान पे हमेशा करनी माता का नाम ही रहेगा। मतलब मैं खुद कभी कभी, मैं खुद अपने आप को भूल सकती हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मावड़ी को कभी नहीं, क्योंकि उनकी वजह से मुझे लगता है कि हाँ, जो भी चीजें मेरी लाइफ में हो रही है या फिर जैसा जो भी अच्छा है बुरा है सब कुछ है ना, वो सब उनकी वजह से हो रहा है। तो वो तो हमेशा मेरी जबान पर उनका नाम तो हमेशा रहेगा ही। जय माँ करनी, जय माँ करनी, जय माँ करनी। जीजा, मैं 31 मार्च के बाद आ रही हूँ जयपुर आपसे मिलने। बिल्कुल बिल्कुल, पधारो पधारो। जय माँ करनी री सा, जय माँ करनी। डोकरी ऐसा करवाली, बस मैं तो आपने वो ही बतावा ना कि आपने काल भाषण हुआ तो सुहाड़ी सुड़ी बन गई उसी, और काल तातो कौन खानो है, काल ठंडो ही खानो है, यहाँ बतावा ना ही। और मन्नत तो टाइम रेवा कोनी, मतलब लाइक है ना, मैं अगर जैसे मैं लाइव हूँ तो अभी इस वक्त की हाँ ठीक है, मैंने मैंने मेरे पास में फोन है। अदरवाइज अगर कुछ पोस्ट करना होता है अपनी वेबसाइट मतलब आईडी पे, तो उस वक्त जरूर मैं ये सारी चीजें नोटिस कर लेती हूँ। अदरवाइज मुझे कुछ, इसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं होता कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, चीजें कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। खाली बस मेरे को मतलब लिखने का बहुत शौक है, तो अधिकतर मेरे मेरे जो दिन का जो बहुत सारा टाइम होता है वो मार्केट में घूमता है, मार्केटिंग वगैरह में। मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, नहीं बताना चाहिए, बट अधिकतर टाइम जैसे मार्केट में काफ़ी डीलिंग वगैरह करने में और इधर उधर जो, और बाकी का जो टाइम होता है वो मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो फिर जो टाइम बचता है वो फैमिली के साथ में। इसके अलावा फिर मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो वो लिखने में, तो जैसे जो भी चीज़ें हो रही होती है ना दिन दुनिया में कि क्या हो रहा है, आज ये हो गया आज वो हो गया, तो इसका मुझे ध्यान ही रहता है कि मतलब क्या हो रहा है। और अच्छी बात है कि मतलब फालतू की टेंशन नहीं होती, फालतू का सोचना नहीं आता दिमाग में कि चीज़ें क्या चल रही है। तो इससे अच्छा है कि मतलब आपका जो काम उस पर फोकस करो, आपकी जो फैमिली उस पर फोकस करो, उसके अलावा जो बाकी का टाइम बचे ना वो भगवान में लगा दो। तो ये चीनी चीज जिंदगी में, या तो काम कर लो या फैमिली फैमिली को अपना टाइम दे दो, या फिर भगवान जी का नाम अपना ध्यान लगाओ। जय माँ करनी री सा, जय माँ करनी। जय माँ करनी री सा। जे बात का मतलब क्या होता है? मतलब ये ऐसे लिखा, जे बात मतलब इसका मतलब ये बात, जे बात का मतलब ये बात। जय माँ करनी री सा। रजनी जी, रजनी जी, जय माँ करनी री सा।
बताओ ना कब रखोगे जोधपुर में इवेंट? अभी जोधपुर का तो नहीं है, बट अभी आई थिंक 19 का है उदयपुर में, गनगोर वही वुमनिया है जो कि पहले जोधपुर में था, अभी फिर उदयपुर में है। और उससे पहले 18 को चित्तौड़गढ़ में एक जौहर, आप लोगों को पता होगा, मतलब बहुत जौहर को लेकर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है 18 को। वहाँ कन्नीमा की दया से मतलब एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मतलब मैं वहाँ उस शोभा यात्रा को मैं अटेंड कर सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि वहाँ मैं जा रही हूँ। 18 को चित्तौड़गढ़, देन 19 को उदयपुर, और उसके बाद में भी मेरे एक दो इवेंट है जो मतलब मैं वहाँ की जो डेट है और वो जो जगह है वो मैं आउट नहीं कर सकती, बट उसके बाद में भी एक दो इवेंट्स है इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में। सो भी फाइनली दो डेट मैंने आपको बताई, 18 और 19, 18 को चित्तौड़गढ़ और 19 को उदयपुर। जयमा करनी जी सब। जयमा करनी। जय माँ करनी रट तुरे जिन तो जप तुरे। तो कितनी देर हो गई, आई थिंक 10-15 मिनट हो गए होगी मेरे को लाइव आए हुए, और अभी मैं लाइव एंड करती हूँ क्योंकि मेरे को एक स्क्रिप्ट रेडी करनी है उसके लिए। तो मैं लाइव ऐसे आई थी, मैं मतलब कभी कभी लाइव आ जाना चाहिए, आप सब लोगों से बात करके काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती है और काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत अलग हो जाती है जब मैं लाइव आती हूँ। तो जब आप लोगों की मैसेजेस देखती हूँ, जो भी जिस तरह के मैसेज होते हैं वो देखती हूँ ना, तो काफ़ी माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब जो कुछ हो रहा होता है लाइफ में सारी चीज़ों को लेकर। तो लाइव आ जाना ठीक है बहुत बार, क्योंकि ऐसे तो मैं सबसे नहीं मिल सकती ना आपसे तो, लेकिन फिर अभी अच्छा तृप्ति वर्मा जी आप अब आए हैं, मैं तो लाइव एंड करने वाली थी, मैं भी लाइव एंड करने वाली थी, आप भी आ गए, बट मेरे एक काम है तो वो मेरे को करना जरूरी है। मॉमी बाबा डाडा सी यू टेक, सब कुछ इक्वल है, बस एक आस्था होती है ना मन में वाली बात है, इसलिए जमा करनी जमान पे जमा करनी रहता है। तो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय दादाजी महाराज, मतलब सब कुछ अपने लिए सब कुछ इक्वल है, जय भोलेनाथ, सब कुछ। तो बाबा डाडा सी यू टेक केयर, जय मां करनी।